रही है, कौन सी चीजें बनने वाली है जो हमें 4 बजे तक चढ़ाना है, और कल कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है। अंगड़ा के पैर दे दी आलू गजब कर। तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि मुझे 4:17 से पहले किचन पूरा साफ सफाई खाना वगैरह सब बना के ख़त्म करना है, क्योंकि 4 के बाद हम गैस चालू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने रूम क्लीन कर दिया है और रह गया है बस मेरा गैस, तो गैस भी मैं जा रही हूँ साफ करने। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज है नवरात्र का 8वां दिन और सबसे बड़ी पूजा तो आज के दिन ही होती है। अभी हमारा टाइम 4:17 पे कलसा रखने का हो जाएगा, 4 बज गए। सब देखे ही आप कैसे मैं फटाफट सब क्लीन कर रही थी, क्योंकि 4 बजे के बाद हम किचन में कुछ बना नहीं सकते, वही रात को जब खाना बनाएंगे तब से स्टार्ट करेंगे। तो पापा का रात का खाना भी बनाना था, मैंने फटाफट सब कर लिया है और अभी 4 बज गया है और मम्मी सब तैयारी कर रही है, क्योंकि 4:17 तक हमें पूरा रख लेना है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे क्या हो रहा है, तब तक आप बने रहो। एंड गाइज, मैंने सुबह ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया क्योंकि पूरा साफ़ सफाई करना था किचन में और मैं थकी भी थी और उल्टी जैसा भी हो रहा था आज, मुझे पता नहीं क्यों, तो इसके लिए मैं नहीं कर रही थी, पर अभी मैं ठीक हूँ। चलो मैं आपको जो जो होगा वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रही है सब। मम्मी को थोड़ा सा भी लेट होता है तो घबराने लगती है, फिर मम्मी पापा से झगड़ा की मम्मी पापा से झगड़ा क्यों की थी बता दे, बता क्योंकि पापा को रात को खाना चाहिए था तभी मम्मी फटाफट कर रही है। तो गाइज, अब मेरी मम्मी मुझे अब इधर उधर दौड़ाएगी, अभी मैं उनको रुई दूंगी, इसमें रुई इसी में है ना। तो अभी हाँ 4:02 हो रहा है, तो अभी मम्मी अपना स्टार्ट कर रही है फटाफट, क्योंकि 4:03 हो रहा है। तो अभी मम्मी इसको मिक्स करके इसका यहाँ पे छापा मारेगी, बहुत पतला बना दी हूँ मैं, मैंने ही बनाया ये। तो इसके लिए चू रहा है ये, कर रही माता रानी माफ करिए, क्या करें, क्या छापा करें जाना। अरे 9 ठीक है 7 ठीक कर, 4 ठे हो गई, 5 तो ये टोटल 7 हो गए हैं। तो गाइस 4:17 हो गया और यहाँ पे टाइम से मम्मी ने रख दिया। तो गाइस हमारा पूजा हो गया और 4 बजे के आसपास ही हो गया था, 4:30 तक, और उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा आराम किए, फिर मैं वीडियो वगैरह एडिट करके डाली और अभी मैंने पूजा भी कर दिया है। बाकी का गाइज अभी तो ब्लॉग स्टार्ट होगा, क्योंकि रात को जाग के हमें खाना बनाना है, गाना गाएंगे, फोन करेंगे सबको, बहुत ज्यादा मस्ती मजाक करने वाले हैं, तो फिर आप बने रहना। एंड गाइज, मेरी मम्मी तैयारी स्टार्ट कर दी है, मतलब जो अभी पहले करके रखना है वो करना स्टार्ट कर दिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है। तो ये देखो मम्मी क्या कर रही है। मम्मी ये मैं गुलगुला बनाने के लिए आटा तैयार कर रही हूँ। इसको क्या है कि पहले इसको करके रखते हैं 2-3 घंटे पहले, तब जाके थोड़ा फूटता है खाने में, इतना इतना सा होता है। जब बन जाएगा तो दिखाऊंगी तुम्हारे गाइस लोग। तो इसमें क्या क्या डाली है? इसमें शक्कर, खाने वाला सोडा, आटा और फ्रूट भी डालती हूँ, यही सब पड़ता है, फ्रूट भी डाल देते हैं।
फ्रूट मतलब बोलो तो वो मीठा मसाला। अच्छा वो केला से नहीं। हाँ तो अभी मम्मी इसको गूंद रही है। तो गाइज अभी बज रहा है 11:30 और किचन भी सब क्लीन वगैरह पहले से ही था, तो अभी मम्मी पूजा का सामान जो है स्टार्ट कर रही है बनाना, पूजा का जो भी खाना है। तो वो जो खाना है जो हम बना रहे, वो सुबह जो कौवा बोलता है उससे पहले हमें बना लेना है, चढ़ा देना है नहावा के। तो अभी हम जा रहे हैं बनाने, तो चलो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी गुलगुला बनाना स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों ये देख के तो मेरा बहुत ज्यादा खाने का मन कर रहा था। तो गाइस अभी हम लोग भाजी काट रहे हैं, मैं और ज्वेल, और मम्मी गुलगुला बना रही है। भाजी आज दो दो बनने वाली है, एक कोड़े की और एक बैगन की, बाकी दाल चावल पूरी और मम्मी का गुलगुला ठोकवा बहुत सी चीजें बनने वाली है जो हमें 4 बजे तक चढ़ाना है। आप देखो खुद ही पता चल जाएगा क्या क्या बना रहे। अरे कलंगड़ा पुकारे देवी दुआरे, कलंगड़ा पुकारे देवी दुआरे, एक लंगड़ा पुकारे लंगड़ा के पैर दे दियलू गजब कई दियलू हे मैया, लंगड़ा के पैर कई दियलू हे मैया, गजब कई दियलू हे मैया, गजब कई दियलू हे मैया, मैया दुआरे एक बालक का। क्यों रो रही है? तो गाइज मम्मी का लाइन आया था, बालक के अमर कह दिहलू गजब कह दिहलू ए मैया, मतलब बालक को, इसका मतलब गाइज ये था कि बालक को अमर कर दी देवी माँ, मतलब कि जो लायक था वो लायक उसको बना दी, सब कुछ लाइफ में सब कुछ सही कर दी। तो मम्मी को थोड़ा रोना आ गया, क्योंकि हमारे गांव में बहुत से लोग थे जो मेरे भाई को देख के कमेंट पास करते थे, बोलते थे एक लड़का है क्या करेगा वगैरह वगैरह। पर आज मम्मी वही सब सोच के रोने लगी, क्योंकि लाइन ही ऐसा था कोई भी इमोशनल हो जाएगा। और तो देवी माँ की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है, भगवान करे जो लोग बोले हैं उनके साथ वो सब चीज़ें होए, हमारे साथ तो माता रानी है तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता। बालक के अमर कह दियलू गजब कह दियलू ए मैया, का कब से देवड़िया पठाड़ के वड़िया खोला हे मैया। तो जोयल को मम्मी ने काम बता दिया बहुत ज्यादा, तो जोयल अभी गजब कह दियलू ए मैया गाना गाएगी। तो गाइस अभी मैं ये दाल साफ करूंगी। ये कौन सी दाल है मम्मी? उर्दी। ये उर्दी का, पर ये ग्रीन क्यों है? दो कलर का रहता है, काला ग्रीन, तो ग्रीन वाला चढ़ता है काला वाला। ठीक है, तो अभी इसको मैं साफ करूंगी। तो गाइस यहाँ पे मम्मी बना रही है पूरी और कॉल, और जोयल यहाँ पे छान रही है पूरिया, छान रही है जोयल यहाँ पे, देखते है जोयल कैसे पूरी छान रही है। जोयल को आ रही है नींद, इसके हेयर स्टाइल आप देख सकते हो, अभी ये फोन चला रही थी काम करने के टाइम पे, इसको आ रही है नींद, और इसने अभी चार पूरी छानी है और गुस्सा नाक पे हुआ है। तो गाइस जोयल थक गई पूरी छानते छानते, तो अभी मैं छान रही हूँ और 2 बज रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हो चुका है पूरी, खत्म भी हो गया है, ये लास्ट था। तो अभी मुझे 2 भाजी बनानी है, कोड़े की और बैगन की। तो अभी मम्मी जब चढ़ा देगी भगवान को तब मैं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कांदा लहसुन भी डालना है भाजी में, इसके लिए मम्मी बोल रही है अभी कट मत कर, जब पूजा कर लूँगी तब करना, तो अभी वो रुक के बनाऊंगी। बाकी का पूजा पे जो चढ़ता है सामान, जो जो मम्मी जो जो खाना चढ़ाती है वो बन चुका है। तो अभी जा रही हूँ मैं चाय बनाने। तो गाइस चलो इनसे पूछ लेते हैं क्या पिएगी मम्मी, क्या पिएगी, चाय की कॉफी? मेरे को चाय चाहिए। तुझे? क्योंकि मैं चाय कॉफी पीती तेरे हाथ का, लेकिन तू ढेर सारा शक्कर डालेगी और कॉफी कम डालेगी, मुझे कड़क कॉफी चाहिए और हल्का मीठा चाहिए, समझ गई? इसके लिए मेरे को चाय जान दे, कल सुबह जाके कहीं पे पी लेना कैफे में। तू देखो सब चलेगा ना,
और ऐसे सो मत, तेरे को देख के मुझे भी नींद आ रहा है, समझी ना। आँख खुल। तो गाइस मैंने कॉफी के लिए दूध रख दिया है और यहाँ पे मम्मी मिक्स कर रही हूँ, तो चलो जल्दी की फरमाइश है कि वो कॉफी पिएगी। मम्मी को चाय पीना है, मम्मी अपना आके बना लेगी। गाइस मेरी मम्मी पूजा स्टार्ट कर रही है अभी, करना चढ़ाना जो भी है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा हमारे माता रानी का खाना और ये रही मम्मी तैयार होके बैठी है, मतलब पूजा कर रही है। और ये रहा कलसा। ये पैसा मैं नहीं ले सकती यार, इसको मम्मी रखेगी। कहाँ रखेगी मम्मी? अरे वो पैसा रखूंगी जब तुम्हारे भाई का शादी होएगा, तो उसमें और पैसा डाल के माता जी को हम लोग बनवाएंगे पूजा करने के लिए, समझी? अच्छा, मतलब ये पैसा मम्मी रखेगी जब मेरे भाई की शादी होगी, तो सब पैसा इकट्ठा करके कुछ बनवा के माता रानी को दे देंगी। नहीं, वो माता जी बनती है शादी होने के बाद, तो वही तब पैसा नहीं रखेंगे, फिर वही माता जी रख के पूजा करेंगे, समझी? तुम लोग को अलग से दूंगी, टेंशन मत लो। बहुत गर्मी लग रही है, पता नहीं देगी कि नहीं देगी। इतना कब से मेरा उसी पे ध्यान है, पैसे पे ही ध्यान है। ओए कॉफी पिला दी हूं तो और तेरे को नींद आ रही है। फिर दोस्तों यहाँ पे मम्मी ने अच्छे से पूजा किया, हमारा 4 बजे से पहले जो पूजा करना था वो सब अच्छे से हो गया माता रानी की कृपा से, और हमने ये भोग भी चढ़ा दिया। तो गाइस अभी मैं दाल तड़का करने जा रही हूँ, किचन का हाल देख लो पूरा फैला हुआ है, क्योंकि अभी हमें 2 भाजी भी बनानी है। और जौल को मैंने यहाँ पर काम पर लगा दिया, अब हम कांदा लहसुन छील सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मम्मी ने पूजा चढ़ा दिया है, पूजा का सब खाना। तो चलो फटाफट पहले मैं कर लेती हूँ। तो दोस्तों उसके बाद मुझे भाजी बनाना था जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वो मैं फटाफट कर रही थी, क्योंकि मुझे भी सच बोलूँ बहुत नींद आ रही थी, सुबह से थकी थी, तो वही मैं कर रही थी। ये कोमल भाजी बना रही है, उसको ब्लॉगिंग करने नहीं आता है इसलिए हंस रही है। मैंने भी इसको बोला कि चोरों की तरह बस लेती रहती, कुछ बोलती नहीं है, इसलिए ये अभी बोलने का कष्ट की है थोड़ा सा ब्लॉग में। तो अभी मेरा एक भाजी मैंने डाल दिया है होने के लिए, अभी एक भाजी रह गया है, उसको भी जो कुकर धो के देगी तो बनाऊंगी। उसके बाद मैंने नींद को भगाने के लिए चाय बनाया और यहाँ पे फ़ोन में देवी गीत लगाया, सुनते सुनते हम लोग ने चाय एंजॉय किया। तो गाइस काम के चक्कर में मैंने शेयर नहीं कर पाया, यहाँ पे मम्मी पूजा की हमारे चौकर के पास, और दूसरा आपको दिखाती हूँ। और ये थोड़ा थोड़ा टीका की है मम्मी ने, लेकिन अभी नहीं मारी, अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है, यहाँ पे भी मम्मी ने प्रसाद चढ़ाया है, पर यहाँ पे मैंने लाइट बंद किया है क्योंकि पापा सो रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पे मेरा बैंगन की भाजी बन चुका है, कोहरे में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए ये हो रहा है। बाकी जोएल ने पूरा बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिया, गैस हम मॉर्निंग में करेंगे साफ, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा सो जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह हमें हवन भी करना है। हाँ गैस नहीं साफ करते सुबह, हाँ मम्मी ने बोला तुरंत साफ नहीं करते, झाड़ू भी सुबह मत मारना। ओके मॉम, तो चलो अभी ये हो जाएगा। तो गाइस हो गया भाजी दोनों, और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने। थोड़ा सा क्या 3:30 बज रहा है, 3-4 घंटा सो जाते हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे उठ के हवन करना है, फिर 11 बजे हम खाना खाएंगे। और कल कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है, कौन आएगा वो आपको कल पता चलेगा। तो गाइज हो गया है मॉर्निंग, और अभी हम जा रहे हैं हवन करने के लिए, नहा धो के रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं हवन करने। तो चलो कर लेते हैं, और आज कोई आने वाला है, वो कौन आएगा वो आपको मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगी, तब तक आप बने रहो। माता रानी देख ला, कुल लड़की मजाक बनाओ थी बनेला। तो गाइज हमारा आरती हवन सब कुछ हो गया, मैं ब्लॉग नहीं ली क्योंकि मम्मी बोली इस टाइम इधर ध्यान दे, तो मैंने नहीं लिया क्लिप। और देख लो कितना पसीना हो रहा है, हालत ख़राब हो गई। मैं आपको दिखाती हूँ हमारा अच्छे से पूजा हो गया सब कुछ, यहाँ पे हवन हो गया है अच्छे से। और जो यू आज तो पेट में खाना जाएगा। यस गाइज आज हम लोग खाना खाएंगे 9 दिन के बाद।
तो अब भी कोई आ रहा है, वो जैसे आ जाएंगी वैसे हम खाएंगे खाना। झोल किसको देख रही हो? बोल मैडम को। हेलो देवी। तो गाइस जो मैडम आने वाली थी वो आ गई है, तो गाइस देखते रहना। लगता है ब्लॉग चालू है, लगता है ब्लॉग चालू है। नहीं ब्लॉग नहीं चालू। लगता है आई लव ब्लॉग क्यों नहीं चालू किए? लग रहा है कि कोमल का खौफ था, दौड़ दौड़ के आए, भाग भाग के आए, इतना झूठ बोलते। तो गाइस यहाँ पर कुछ लालची कन्या बैठे हुए जो मेरे स्टार्ट हो गई, उसको प्रॉब्लम हो रहा है पलती मार के खाने में। ना ना आज पहली बार पलती मार के खा रही। जानती ना भाई यहाँ पे है। आंटी हम लोग स्टार्ट कर देंगे फिर आप बैठ जाओ। तो गाइस फाइनली मैं अपना 9 दिन का फास्ट जो है पूरा हो चुका है, तो मैं आज खाना खाने जा रही हूँ। और आज जो प्रसाद बना था वाव था, मतलब प्रसाद की बात ही अलग होती है यार, तो एकदम मन भर गया खा के, क्या ही बोलूँ। यहाँ पे फिर मम्मी ने हम लोग को टीका लगाया और फिर पैसे दिया जैसे कन्या को देते हैं, क्योंकि मम्मी के लिए हम लोग कन्या हैं। गाइस नवरात्रि का ब्लॉग मैं आज एंडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर पे थी, फिर मुझे यहाँ पे भी आना था, तो फिर काफ़ी दिन का गैप हो गया था, क्योंकि 15 दिन का वहाँ पे थी, नवरात्रि का सब चालू था, फिर वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बन पा रहा था, तो मुझे यहाँ पे आना था। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम नहीं मिला, एडिटिंग वगैरह कर रही थी, तो फाइनली आज टाइम मिल गया है और आज मैं ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। आई होप आपको नवरात्र का सारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर नहीं देखे हो तो जाके एक बार देखो, हम लोग 9 दिन कैसे पूजा पाठ करते, सब चीज़ें सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आपको सबसे ज़्यादा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये 2 दिन का 8वां 9वां दोनों दिन का था, मेरा फास्ट टूटा वो भी था, सब क्लिप इसमें मैंने डाला है, तो देखो और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। लव यू ऑल।